बच्चों, हर नया दिन हमारी जिंदगी में नई उम्मीद और नई खुशी लाता है। और जब हम अपना दिन खुदा के प्यार में बसर करते हैं तो हम दूसरों से प्यार करने वाले और उनकी मदद करने वाले बन जाते हैं और खुदा हमारी जिंदगी से खुश होता है। आई होप कि आज का एपिसोड भी आप सब बच्चों के लिए खुशी और ब्लेसिंग्स लाएगा। तो आए अपने एपिसोड का आगाज दुआ से करते हैं। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, जिंदगी में हर रोज हमारे साथ रहने और हमें अच्छी अच्छी चीजें देने के लिए तेरा शुक्र हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों, क्या आपको पता है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत दुबई में है, जिसका नाम बुर्ज खलीफा है। अगर कभी आपको दुबई जाने का मौका मिले तो इस इमारत को जरूर देखिएगा। तो आए अब देखते हैं कि उस्मान भाई और बच्चे आज हमें कौन सी एक्टिविटी सिखाने वाले हैं। हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हमेशा की तरह मैं एक मरतबा फिर से आपके लिए लाया हूँ एक जबरदस्त सरगर्मी। और आज की सरगर्मी का नाम है गेस हु एम आई। तो आइए सुनते हैं आज की सरगर्मी के रूल्स। प्यारे बच्चों, आज की सरगर्मी में हम इन बच्चों को दो टीम्स में डिवाइड करेंगे। एक टीम अपने हाथों और चेहरे के तासुरात से किसी चीज की नकल उतारेंगे, वो कोई परिंदा या जानवर हो सकता है, जबकि दूसरी टीम को ये गैस करना है कि ये कौन से जानवर या परिंदे की नकल उतार रहे हैं। तो टीम्स, आपको गेम की समझ आ गई है? तो आइए शुरू करते हैं आज की सरगर्मी। तो प्यारे बच्चों, हमने इन बच्चों को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया है। सारा टीम ए और शाइना टीम बी कहलाएगी। टीम ए को हम पहली बारी देते हैं कि वो अपने हाथों और चेहरे के तासुरात से कोई एक्शन करें, ताकि टीम बी जो है वो गैस कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। बटरफ्लाई। तो यहाँ पर टीम ए का गैस जो है वो मुकम्मल कर लिया है टीम बी ने, यानी इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। अभी टीम बी की बारी है कि वो अपने हाथों के इशारे को इस्तेमाल करे, ताकि टीम ए जो है वो गैस कर सके। तो शाइना, अभी आपकी बारी है। जी सारा, गैस करें ये कौन सा एनिमल है। और ये भी दुरुस्त जवाब है। अभी सारा आपकी बारी है, आप कोई एक्शन करें और शाइना गैस करेंगी। लाइन। वेरी गुड जी, ये भी दुरुस्त जवाब है। अभी शाइना आप कोई एक्शन करें और सारा गैस करेंगी। ये जवाब गलत हो गया है सारा का। प्यारे बच्चों, आपने देखा टीम ए ने दो जवाब दुरुस्त दिए और टीम बी ने तीन जवाब दुरुस्त दिए। तो इसके साथ ही हमारी आज की विनिंग टीम जो है वो टीम बी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सरगर्मी को खूब इंजॉय किया होगा। आप इस सरगर्मी को अपने संडे स्कूल में दूसरे दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ घर पर भी इंजॉय कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। गीत गाकर खुदा की हमदो सना करना हर बच्चे को बहुत पसंद है, और जब इन गीतों को एक्शंस के साथ सीखा जाए तो बच्चे इन गीतों को सीखते हैं और खुश होते हैं। तो आए आज का गीत सीखने के लिए हम चलते हैं इशायल समरना, सारा और शाइना के पास, और उनके साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं। तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे। ईंट रखते जाएंगे, दीवार हम बनाएंगे।
सारे लोग जमा हो गए, नहमिया के साथ मिलके काम पे लगे। यरूशलेम में सारे लोग जमा हो गए, नहमिया के साथ मिलके काम पे लगे। ईंटें उठाए रात दिन गारा लगाए रात दिन, ईंटें उठाए रात दिन गारा लगाए रात दिन। छोटे बड़े सारे मिलके काम पे लगे, छोटे बड़े सारे मिलके काम पे लगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। जाएं घबराए ना कभी, मुश्किलें हजार हो रुक जाएं ना कभी। काम करते जाएं घबराए ना कभी, मुश्किलें हजार हो रुक जाएं ना कभी। मिलजुल के बोझ उठाएं हम यूं काम को बढ़ाएं हम, मिलजुल के बोझ उठाएं हम यूं काम को बढ़ाएं हम। बिला नागा दुआ करना भूल न जाएं हम, बिला नागा दुआ करना भूल न जाएं हम। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे, ईंट रखते जाएंगे दीवार हम बनाएंगे। बच्चों मैं आपको बताती चलूं कि अब तक हम ऑनलाइन संडे स्कूल में 24 गीत सीख चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए अब आज की स्टोरी सीखने के लिए हम चलते हैं रूद बाजी के पास और उनके साथ मिलकर आज की स्टोरी सीखते हैं। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। बच्चों आप जब भी कोई बड़ा काम अकेले कर रहे हो तो यकीनन आपको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आपको किसी न किसी की मदद लेना पड़ती है, जैसे टीचर, मामा पापा या बहन भाई। और जब आप किसी की मदद लेते हैं तो आप अच्छे नंबरों से कामयाब होते हैं। आज हम सब मिलकर ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने मिलकर एक बड़ा काम किया और उस काम को करने के लिए खुदा ने उन्हें एक रहनुमा मुहैया किया और उस रहनुमा का नाम नहमिया था। बच्चों नहमिया यहूदी कौम से ताल्लुक रखता था, वो खुदा से डरता और अपनी कौम से प्यार करता था। प्यारे बच्चों बहुत अरसा पहले की बात है जब बनी इसराइल के यहूदा कबीले के लोग खुदा की नाफरमानी करने लगे, वो एक खुदा के बजाय कई खुदाओं की प्रस्तुति करने लगे और इसीलिए खुदा उनसे सख्त नाराज हुआ। खुदा ने उन्हें एक गैर कौम यानी बाबिल के हवाले कर दिया। बाबिल के बादशाह ने हैकल के बर्तनों समेत बहुत से लोगों को असीर कर लिया और अपने साथ अपने मुल्क ले गया। और फिर खुदा ने यहूदी कौम को तकरीबन 70 साल तक बाबलियों के कब्जे में रखा, लेकिन फिर खुदा ने बादशाह के दिल को कायल किया कि वो लोगों को यरूशलेम वापस भेजे ताकि वो वहां जाकर हैकल की फिर से तामीर करवा सके। अब लोग मुख्तलिफ रहनुमाओं की क्यादत में यरूशलेम वापस आने लगे, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाबल में ही थे और बाबल में कुछ लोग आला अहदों पर फायज थे जिनमें नहमिया भी शामिल था। बच्चों नहमिया साकी था यानी वो बादशाह को मैं पेश किया करता था और एक दिन उसकी मुलाकात यहूदा से आए हुए उन लोगों से हुई जो उसके भाई भी थे। उसने उन लोगों से यरूशलेम और वहां के रहने वाले लोगों का हाल दरियाफ्त किया। उन लोगों ने कहा कि यरूशलेम के दीवार टूटी हुई है और वहां के फाटक आग से जले हुए हैं और वहां के लोग मुसीबत में हैं। जिसे सुनकर नहमिया बहुत दुखी हुआ और वो रोने लगा और उसने खुदा से रो रो कर दुआ की। उसने रोजा रखा और वो कई दिनों तक इसी तरह उदास रहा।
एक दिन जब वो बादशाह के महल में गया तो उसका चेहरा उदास था। तब बादशाह ने उससे पूछा कि तू क्यों उदास है, और नहमिया ने बादशाह को अपनी उदासी की वजह बताई। उसने कहा कि वो शहर जहाँ उसके बाप दादा रहते थे उजाड़ पड़ा है, वहाँ के फाटक आग से जले हुए हैं और वहाँ की दीवार टूटी हुई है। अगर तू अपने कर्म की निगाह मुझ पर करे तो मैं यरूशलेम जाऊं ताकि वो दीवार को फिर से तामीर करवा सकूं। तब बादशाह ने नहमिया की हर बात बड़ी तफसील से सुनी और उसने उसकी तमाम दरख्वास्तों को मंजूर किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने उसे यहूदा का गवर्नर बनाकर यरूशलेम भेजा और उसके साथ कुछ फौजी सरदारों को भी भेजा। नहमिया ने यरूशलेम जाकर तमाम शहर का जायजा लिया। नहमिया ने मुख्तलिफ कायदीन, काजियों और बाकी लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आओ हम सब मिलकर यरूशलेम के इस दीवार को फिर से तामीर करें ताकि कोई भी दुश्मन हम पर फिर से हमला ना कर सके। वो सब लोग नहमिया की बात मानने के लिए तैयार हो गए। नहमिया ने उनमें बेदारी पैदा की। लेकिन बच्चों, यहाँ पर नहमिया और यहूदी कौम के तीन दुश्मन थे जो ऐसा हरगिज नहीं चाहते थे, जिनका नाम सुम्बलत, तूबिया और जश्न था। वो ऐसा नहीं चाहते थे कि यरूशलेम की दीवार फिर से तामीर हो, इसलिए उन्होंने इस काम में रुकावट डालने की भरपूर कोशिश की। वो नहमिया और यहूदी कौम का मजाक उड़ाने लगे और उनको बार बार आकर तंग करने लगे, लेकिन नहमिया और यहूदी कौम ने उनकी बिल्कुल भी परवाह ना की। वो अपने काम में डटे रहे और उन्होंने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो अपने एक हाथ में हथियार रखते और दूसरे हाथ से काम करते थे और इसीलिए उन्होंने 52वें दिन यरूशलेम की दीवार तामीर कर ली। और वो इस दीवार को तामीर करके बहुत खुश हुए क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा काम था जो उन सब कौम ने मिलकर किया। बच्चों, वो फिर सब मिलकर एक मैदान में जमा हुए और उन्होंने अज़रा काहिन से दरख्वास्त की कि उन्हें शरीयत पढ़कर सुनाई जाए। तब अज़रा काहिन और बहुत से दूसरे काहिनों ने उनकी शरीयत पढ़ने और उनको समझाने में रहनुमाई की। शरीयत को सुनते ही यहूदी कौम ने अपनी जिंदगियों पर गौर किया। उन्होंने बड़ी फरोतनी के साथ खुदा से माफी मांगी और खुदा से दुआ की और फिर उन्होंने तहरीरी सूरत यानी लिखकर खुदा से अहद किया कि अब से वो गैर मामी शादी नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करेंगे और सब्बत के दिन को पाक मानेंगे। वो अपने हदीय नजराने खुदा के हजूर पेश करेंगे। इसके बाद सब लोगों ने अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में आबाद होना शुरू किया। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ ईद मनाई और सब लोग बहुत खुश थे, इतने खुश कि उनकी खुशी की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। बच्चों, वही शहर जो तबाह बर्बाद हो चुका था अब फिर से बहाल हो गया। और इस सब में खुदा के बंदा नहमिया ने उनकी रहनुमाई की। उन लोगों ने दुश्मनों का मुकाबला किया, खुदा पर भरोसा रखा और दिन रात मेहनत की। हम सबको भी चाहिए कि अगर हम कोई बड़ा काम करें तो सब मिलकर उसे करें। इस वक्त हमें सोचने की जरूरत है कि हम दूसरों के किस तरह से मदद कर सकते हैं, हम दूसरों के किस तरह काम आ सकते हैं। बच्चों, आपने भी इस वक्त यहूदी कौम को मद्देनजर रखते हुए यानी अपने सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है और कोई भी बड़ा काम हो तो उसे मिलजुल कर करना है। खुदा आप सबको इस कहानी के वसीला से बरकत दे और ऐसे करने की तौफीक दे। थैंक यू। बच्चों, क्या आपने नहमिया की कहानी में टीम वर्क देखा? अगर हाँ तो आज की स्टोरी को दूसरों को सुनाकर बरकत का बायस बने। और अब हम आज की हिफ्ज़ी आयत को सीखना नहीं भूलेंगे, तो चले आए सीखते हैं आज की हिफ्ज़ी आयत। वेलकम बच्चों। बच्चों, खुदा का पाक कलाम जो जिंदगी के हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है, सो आज के एपिसोड में भी हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत हिफ्ज़ी आयत है। लेकिन इस हिफ्ज़ी आयत को सीखने से पहले हम आज की एक खूबसूरत सरगर्मी करेंगे और इस सरगर्मी को करने के लिए हमारे साथ इशायल और स्मरना मौजूद हैं। इशायल और स्मरना, आप देख रही हैं इस वक्त आपके सामने मेज़ पर डिस्पोजिबल कप्स पड़े हैं, तो आपने इसका टावर बनाना है और फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारी आज की हिफ्ज़ी आयत कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
अरे वाह, ये देखे हमारा आज का टावर कंप्लीट हो गया। अरे वाह इशायत, आप मुझे बताएं कि इस टावर को मुकम्मल करने के बाद आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। वेरी नाइस। और स्मरना, आप मुझे बताएं कि अगर आपको ये टावर अकेले बनाना पड़ता तो कैसा फील होता? अगर इशायत मेरे साथ ना होती तो मैं इसे अच्छे तरीके से नहीं बना सकती। इशायत और स्मरना ने कितने खूबसूरत अंदाज से इस टावर को मुकम्मल किया, उन दोनों ने मिलकर काम किया। बच्चों, हमारी आज की आयत आपके सामने है, तो आइए मिलकर आज की आयत सीखते हैं। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। रोमियो उसका 14वां बाप और 19वीं आयत। बच्चों एक दफा फिर से इस आयत को सीखते हैं। बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। रोमियो उसका 14वां बाप और 19वीं आयत। बच्चों इस आयत में मेल मिलाप से मुराद मिलजुल कर रहना है, और खुदा भी यही चाहता है कि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के काम आए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस आयत को सीखा होगा और आप ऐसा ही करेंगे। खुदा आपको इस आयत के वसीला से बरकत दे। थैंक यू। बच्चों खुदा का शुक्र है कि वो अपने कलाम के ज़रिए से हमसे बात करता है और अपने कलाम की सच्चाइयों को हम पर जाहिर करता है। आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ सच्चाइयाँ मौजूद हैं। आज की पहली सच्चाई ये है कि नहमिया के नाम का मतलब है यहोवा की तसल्ली। आज की दूसरी सच्चाई ये है कि नहमिया की किताब नहमिया ने लिखी, और ये किताब यसु मसीह की पैदाइश से 425 साल पहले लिखी गई। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि नहमिया 12 वर्ष तक यरूशलेम में गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहा। बच्चों खुदा चाहता है कि हम अपने मुआशरे के लोगों के साथ वैसी ही मोहब्बत रखें जैसे नहमिया ने अपने लोगों के साथ की। जब हम अपने लोगों के साथ कुछ बुरा होते देखते हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए कि हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, और उस पर अमल भी करना चाहिए। कई बार हम अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन हमारी हौसला शिकनी की जाती है, लेकिन खुदा हमारे उस काम के लिए हमारी हौसला अफजाई करता है और मिलकर हम बहुत से बड़े बड़े कामों को मुकम्मल कर सकते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम तुझसे प्यार करें और दूसरे इंसानों से भी प्यार कर सकें, और जहां उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। बच्चों याद रखें कि कलाम सीखना और सिखाना एक बाबरकत अमल है, और यकीनन आप ऑनलाइन सिने स्कूल के वसीला से बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप उसे याद रखें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और हमारे उम्मीद किड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए और अमेजिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।